sex is not an act of penetration only. Sex is a lot, starts a lot before penetration and ends a lot after penetration or ejaculation. Sex education सबको चाहिए क्योंकि इंडिया में पढ़ाया ही नहीं गया. मतलब sex education आपके लिए भी relevant है, मेरे लिए भी relevant है, शायद मेरे बेटी के लिए भी relevant है. उस point of view से हमने 3-4 ऐसी चीजें की और जो हम करते रहेंगे to ensure कि हम इसमें अपना contribution कैसा करें. तो हमने कुछ schools के साथ काम किया. हमने प्यूबर्टी एजुकेशन का एक कोर्स बना रखा है जो हम स्कूल्स के साथ कई बार काम करते हैं ताकि हम बच्चों को बता सके सेक्स एजुकेशन के बारे में. आज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेक्सुअल हेल्थ डेफिशिएंसी डिसफंक्शन की नहीं है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को पता ही नहीं है उनको प्रॉब्लम. देखिए मेन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि उनको पता ही नहीं है कि अगर उनको प्रॉब्लम हो तो किसके पास जाना. हमें पता ही नहीं है कि एंड्रोलॉजिस्ट जो है वो मेन इंटीमेट हेल्थ कंसर्न्स के बारे में जानता है, उससे बात की जा सकती है. इंडिया में 30% डिवोर्स इसीलिए होते हैं कि सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं. रिलेशनशिप कॉज इज वेरी बिग. जब आप किसी आदमी को बार बार बोलते हो तुम ये नहीं कर पा रहे, तुम वो नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंट फील कर रहा है, ना सिर्फ उन कामों में बट बेड में भी. तो ये कभी ना कभी उनके बेड की परफॉर्मेंस पे भी अफेक्ट करेगा. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ओवर एक्साइटमेंट इज बाय एजुकेटिंग योरसेल्फ एंड एजुकेशन डेफिनेटली शुड नॉट हैपन वाया पॉर्न. तो हेलो गाइज, वेलकम टू करो स्टार्टअप. सो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लेस टेकन इन द सोसाइटी बट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी आर लाइव विथ फाउंडर ऑफ क्यूरिक्स मिस्टर अमित जी. सो वेलकम टू करो स्टार्टअप पॉडकास्ट. सो बेसिकली अभी एक सोशल स्टिग्मा है मार्केट में, लोग सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते, राइट? एंड स्टिल लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट. देर आर मोर देन 200 million पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम सेक्सुअल इलनेस, राइट? सो we are going to talk everything about that in deeper. So first of all, welcome to Karo Startup. Thank you. Super happy to be here. So basically, start करने से पहले ये जानते हैं कि Curex exactly में है क्या और आप लोग क्या करते हैं उसमें. So देखिए, Curex एक sexual wellness startup है, जहाँ पर while we are gender agnostic, लेकिन अभी हमारे पास men ज़्यादा आते हैं. जब आदमी हमारे पास आता है, generally they come with concerns like erectile dysfunction, premature ejaculation, low libido, delayed ejaculation. इंटेंट ये है कि हाउ कैन वी सॉल्व देयर सेक्सुअल हेल्थ कंसर्न बेटर. अगर आप देखोगे आज भी या आज से 10 साल पहले भी इंसान अपनी सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता, वो किसी से बात नहीं कर पाता था. वो आंख बंद करके जो अखबार में, दीवारों पर पोस्टर में बाबा की एक रैंडम गोलियां खाता रहता था. बट कैन यू इमेजिन यू एंड आई एंड पीपल लाइक अस डूइंग दैट सेम? नहीं ना, वो साइंटिफिक ही नहीं है. तो हम एक साइंटिफिक वेलनेस कंपनी है जो बहुत ही ऑथेंटिक ट्रीटमेंट लेकर आते हैं. और एक कोर चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में थेरेपी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है. अगर आप समझोगे, जब एक आदमी परफॉर्म नहीं कर पाता किसी भी कारण से, स्ट्रेस हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, हार्ट कंडीशन हो सकता है, विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, जस्ट अ बैड डे हो सकता है, लेकिन एक बार जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी मनोस्थिति को भी देखा जाए. क्योंकि एक बार वो बोलते हैं ना परफॉर्मेंस एंजाइटी, तो सचिन तेंदुलकर को भी हो जाता है. तो वी आर मेयर मॉडल्स. तो हम इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमने एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है जो 45 डेज के अंदर ही 95% से ज्यादा इंप्रूवमेंट लाता है. ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर स्टोरी. सो एग्जैक्टली कब आपने सोचा कि आई नीड टू स्टार्ट दिस, एंड बैकग्राउंड क्या रहा आपका बिफोर स्टार्टिंग दिस? मेरा बैकग्राउंड बहुत ही ऑड है. मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. मैंने एमबीए किया फाइनेंस में. मैं बैंक में था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था. इनफैक्ट बचपन से मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर ही बनना था. बट मुझे ऐसा लगता है कि कई बार भगवान आपके लिए कुछ अलग प्लान करता है. तो जब मैं सीए बन रहा था तो मेरे पापा बहुत खुश थे, लेकिन तब मुझे पहली बार पता चला कि मेरे पापा डॉक्टर बनना चाहते थे. बट क्योंकि हमारे पास उस समय पैसे नहीं थे, ही कुड नॉट बाय डॉक्टर्स किट, तो उनको पढ़ाई छोड़कर बिजनेस में घुसना पड़ा. तो मुझे उस समय लगा कि यार मैं तो पढ़ाई में ठीक था, अगर मुझे मेरे पापा बोलते कि तू डॉक्टर बन, तो शायद मैं ट्राई करता. मैं जरूरी डॉक्टर नहीं बनता शायद, बट ट्राई जरूर करता. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई थिंक शायद बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कपल ऑफ स्टार्टअप्स के बाद पिछले 10 साल से मैं हेल्थ और वेलनेस में हूँ. मैं डॉक्टर तो नहीं बना, लेकिन मैं लोगों को ठीक करने में कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा प्ले कर रहा हूँ. And I think, you know, this is maybe God's plan of me doing my bit for my dad.
सो एग्जैक्टली व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आई नो कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो इस पर्टिकुलर समस्या से जूझ रहे हैं, बट वाई यू चूज दिस राइट? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या आपने आसपास देखा हो किसी को? देखो क्या होता है कि सो जस्ट टू काइंड ऑफ गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, मैं इससे पहले दो हेल्थ केयर कंपनी में था, हेल्दीफाई मी एम्फाइन। एम्फाइन में मैं जब 4.5 साल था, हम कई बार ये डिस्कस करते थे कि बहुत सारे लोग हमारे पास सेक्सुअल हेल्थ के कारण से आते हैं, लेकिन हम उनको जनरली एंटरटेन नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे एंड्रोलॉजिस्ट नहीं थे। तो एक चीज समझ में आया कि ये कंसर्न बहुत बड़ा है। दूसरा चीज समझ में आया कि लोगों को पता नहीं है सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ सिंगल स्पेशलिटी कंसर्न नहीं है। मतलब जैसे मान लो मुझे बुखार हुआ, मैं जनरल फिजिशियन के पास चला गया, मुझे डायबिटीज हुई, मैं डायबिटोलॉजिस्ट के पास चला गया, मुझे हार्ट कंडीशन का प्रॉब्लम है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया। बट अगर किसी को सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो मल्टी स्पेशलिटी प्रॉब्लम है, उसको शायद एक एंड्रोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा, उसके बाद एक थेरेपिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा। तो वी रियलाइज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दैट अवेलेबल टू एंड यूजर्स एंड मेक इट सिंपलर कन्वीनियंट, एंड दैट इज व्हाई वी गॉट इट टू दिस। इनिशियली चैलेंज के बारे में बात करते हैं, स्टिल पीपल आर नॉट ओपन अबाउट इट, बट कंपनीज लाइक यू, दोज हू आर ट्राइंग टू डू समथिंग इन दैट, जो अवेयर करें एटलीस्ट लोगों को थ्रू देयर सॉल्यूशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग। सो इनिशियली क्या चैलेंज थे, एंड जो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ दैट क्योरेक्स इज प्रोवाइडिंग, वट एग्जैक्टली यू आर डूइंग और डिफरेंट कैसे है अपार्ट फ्रॉम द अदर प्लेटफॉर्म्स दोज हू आर इन टू मार्केट? देखो सबसे बड़ा चैलेंज है स्टिग्मा। ये प्रॉब्लम सिर्फ उसको नहीं है जिसको सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उसको भी है जो सेक्सुअल हेल्थ में स्टार्टअप करना चाहता है। मेरे पूरे परिवार वालों को आज भी नहीं पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कितने लोगों को आप बताओगे और क्या समझाओगे? अगर मैं पहली बार किसी को बोल दूं कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ तो लोग बोलेंगे ये क्यों करना है, राइट? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो होता है खुद को कन्विंस करना कि हाँ यार ये सॉल्व करना है, और भले ही कितने लोग बात बनाए, कितने लोग मना करें, हम करना चाहते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ कोर्स इज कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जैसे आपने बोला 20 करोड़ लोग इंडिया में ही हैं जो सफर कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं करना चाहते। हम अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से बात नहीं कर सकते इस बारे में, हम अपने स्पाउस से बात नहीं कर सकते इस बारे में। जनरली कई सारे पेशेंट्स जो यूजर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, वो इनकॉग्निटो विंडो में खोलते हैं हमें। तो ये स्टिग्मा से डील करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे बिजनेस में। देखिए स्टार्टअप के कुछ ड्रॉबैक्स डिफिकल्टीज होंगी, पैसे कम होंगे, लोग धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे, इन्वेस्टर मानेगा या नहीं, खुद को समझाओ एक वेल पेइंग जॉब छोड़कर। बट हमारे बिजनेस में जो एडिशनल चैलेंज है वो ये है कि खुद को समझाना, परिवार को समझाना, और बाद में यूजर को समझाना कि भाई हम ठीक कर सकते हैं और तू बोल सकता है, हम जज नहीं करेंगे। राइट, सो जैसे आपने बोला कि मेंस के लिए ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, राइट? सो आई नो, एंड जहाँ तक मैंने देखा है, जितना समझा इस मार्केट को, राइट, स्टार्टिंग में भी कभी बचपन में कुछ चीज़ें होती है, बट आपको वो चीज़ें पता नहीं होती क्योंकि आपके पास राइट एजुकेशन नहीं है, राइट? सो वो चीज़ें कैसे हम सही करें, एंड व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस दैट यू थिंक यू मैन फेसेस? देखिए ये मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी और उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आपको लगता है कि सेक्स एजुकेशन इंडियन स्कूल्स में चाहिए तो आप आधा ही सही है। सेक्स एजुकेशन सबको चाहिए क्योंकि इंडिया में पढ़ाया ही नहीं गया। मतलब सेक्स एजुकेशन आपके लिए भी रेलेवेंट है, मेरे लिए भी रेलेवेंट है, शायद मेरे बेटी के लिए भी रेलेवेंट है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 3-4 ऐसी चीजें की और जो हम करते रहेंगे टू एंश्योर कि हम इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा करें। तो हमने कुछ स्कूल्स के साथ काम किया, हमने प्यूबर्टी एजुकेशन का एक कोर्स बना रखा है जो हम स्कूल्स के साथ कई बार काम करते हैं ताकि हम बच्चों को बता सके सेक्स एजुकेशन के बारे में। सिमिलरली हम बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ हम हर मंथ एक वेबिनार लेकर आते हैं ताकि हम बड़ों को भी बता सके सेक्स एजुकेशन के बारे में। आज इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेक्सुअल हेल्थ डेफिशिएंसी से डिसफंक्शन की नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को पता ही नहीं है उनको प्रॉब्लम है। तो यस, सेक्स एजुकेशन विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड वी विल कीप डूइंग आवर बिट थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ बिल्डिंग दिस स्टार्टअप। And you mentioned about education, right? And there is a beautiful series on Netflix called Sex Education Only. And I was talking to a guy and he said ki please ye series dekhna, he said ki ye gandi series main nahi dekhta. But us series mein matlab I've seen ki jo evolution hota hai bachpan se aapke puberty phase mein aate ho,
आज हार्मोनल चेंजेस जो आप देखते हो आपके सोसाइटी में, आप लोगों से मिलते हो, अपने फीमेल अपोजिट सेक्स से मिलते हो, आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, सारी चीज़ उसमें बताई गई है। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल सीरीज, राइट। बस स्टार्टिंग से आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी आई नो कि अभी टाइम है और टाइम लगेगा इंडिया में इस चीज़ को अवेयरनेस और लाने में, बट एज ए इंडिविजुअल हम क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसको हम नेक्स्ट लेवल पे अपनी अवेयरनेस एटलीस्ट हम अपडेटेड रहें अपने आप से और हमें चीज़ें पता चले कि एग्जैक्टली में क्या और कैसे करनी चाहिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मैं तो बोलूँगा कि पेरेंट्स अगर थोड़े से अवेयर हो जाएं और ओपन हो जाएं अपने बच्चों के साथ, इससे बड़ा कुछ नहीं है। देखिए आप और मैं सुधरे या ना सुधरे, पढ़े या ना पढ़े, मैं इन सबको नहीं बोल सकता, बट आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट कि पेरेंट्स तो अपने बच्चों को इन्फॉर्म करें। मैं आपको बताता हूँ, मैं क्लास 9 में था, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे इवेंट हो रहा था। सडनली मेरा दोस्त आया और बताया कि यार प्रेरणा के स्कर्ट में खून लग गया। प्रेरणा उसकी छोटी बहन थी, मुझे पता ही नहीं था कि पीरियड्स के कारण खून लगता है। मैं उससे पूछ रहा हूँ उसको लग गया क्या, बोला नहीं नहीं यार पीरियड्स है। मैं बोला पीरियड्स क्या है? सो क्लास 9 में मैं इतना अनअवेयर था क्योंकि हमारे स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, हमारे माँ बाप बात ही नहीं करते। द ओनली सेक्स एजुकेशन दैट पीपल एट माई एज वुड हैव हैड इज वाया पॉर्न। इसीलिए हमारे एक्सपेक्टेशन गलत है, इसीलिए हमारी एजुकेशन गलत है, क्योंकि बेस ही खराब है। सो यूजुअली जो हम कॉमन चैलेंजेस के बारे में बात करें, स्पेशली मेन में क्या लगता है कि कौन से चैलेंजेस आपके पास भी जो पेशेंट आते हैं, सो व्हाट आर द मेजर कंसर्न दे आर हैविंग? देखिए मेन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि उनको पता ही नहीं है कि अगर उनको प्रॉब्लम हो तो किसके पास जाना। जैसे आप देखोगे कि सेक्सुअल हेल्थ जब हम बात करते हैं 20 करोड़ लोगों की, तो प्रॉब्लम तो शायद मेन को भी है और वुमेन को भी है, लेकिन विमेन की प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व हो जाती है क्योंकि विमेन बचपन से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, तो मतलब उनके पास कोई तो है जिससे वो बात कर सकते हैं। मोस्ट मेन डोंट नो कि उनका डॉक्टर कौन होना चाहिए। हमें पता ही नहीं है कि एंड्रोलॉजिस्ट जो है वो मेन इंटीमेट हेल्थ कंसर्न्स के बारे में जानता है, उससे बात की जा सकती है। मोस्ट मेन विद प्रॉब्लम्स लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मच्योर इजैकुलेशन, डिलेड इजैकुलेशन, लो लिबिडो, उनको पता ही नहीं है ये प्रॉब्लम। उनको ना साइंटिफिक टर्म्स पता है, उनको ना ये पता है ये प्रॉब्लम है। कई बार मैंने लोगों से सुना है कि वो आपस में बात कर रहे हैं कि यार ये हो रहा है, इसको कैसे ठीक करें, और तब पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है। उनको इतनी हिचकिचाहट है कि ना पढ़ना चाहते हैं ना पूछना चाहते हैं। तो हमने तो अपने प्लेटफॉर्म पे जो देखा है, और हम एजुकेशन भी ऐसे ही करते हैं, अभी मोस्टली मैन हमारे पास जो आते हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मच्योर इजैकुलेशन के लिए आते हैं। ये दो सबसे बड़ा कंसर्न है मैन। एंड मैं कॉमन लाइफस्टाइल ट्रेट की बात करूँ जो हम दिनचर्या डेली है, तो क्योंकि इंटरनेट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, कुछ सही इन्फॉर्मेशन है, और काफ़ी डॉक्टर्स का कहना है कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कैन बी वन ऑफ द काउज जिससे आपको थोड़ा सा फर्टिलिटी कम होती है, राइट, या स्पर्म काउंट भी आपका स्लो होता है। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, की क्या एग्जैक्ट रीज़न हो सकते हैं कि जो हम डेली लाइफस्टाइल में चीज़ें कर रहे हैं उससे अफेक्ट पड़ता है? देखो मैं जो बोलूँगा वो शायद सही नहीं होगा साइंटिफिकली, बट मुझे ऐसा लगता है जितने लोग उतनी बातें। कोई डॉक्टर बोलेगा कि शुगर स्मोकिंग से ज्यादा खराब है तो चीनी खाना बंद कर दो, कोई डॉक्टर बोलता है कि फ्रेंच फ्राइज स्मोकिंग से ज्यादा खराब है तो फ्रेंच फ्राइज खाना बंद कर दो। मुझे नहीं लगता कि हर इंसान पूरे वर्ल्ड में जो ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं वो बेड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अ लॉट ऑफ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ओवरऑल लाइफ स्टाइल, क्या फूड हैबिट्स है, क्या नहीं है। आपकी बॉडी की इम्यून अगर अच्छी है तो शायद आपका बॉडी स्मोकिंग को भी रेजिस्ट कर सकता है और आप बेड में परफॉर्म कर सकते हो। अगर बाई चांस आप देख रहे हो कि आप बेड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, देन इट मेक्स सेंस टू सी कि क्या ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। मतलब एक बार स्मोकिंग छोड़ के देख लो, ड्रिंकिंग थोड़ी कम कर दो, लाइफस्टाइल बेटर कर दो, एक्सरसाइज कर लो। लेकिन ये बोलना कि हर वो आदमी जो स्मोक करता है वो बेड में परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मैं नहीं मानता। आई मे बी रॉन्ग साइंटिफिकली, बट ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया। कितने सारे लोग दारू पीते हैं, कितने सारे लोग सिगरेट फूंकते हैं, मतलब वो सबकी वाइफ अनसैटिस्फाइड तो नहीं हो सकती, राइट।
और अभी कुछ स्टार्टअप्स देखे हमने रिसेंटली में जो प्रोडक्ट साइड से बहुत काम कर रहे हैं, राइट? एंड देयर क्लेमिंग की अगर आप उनका प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपका परफॉर्मेंस जो है बेटर हो जाएगा, राइट? एंड जो आपकी थ्योरी है मोस्टली दैट डिपेंड्स ऑन द थेरेपी, या आप माइंड से अपने आप को कंट्रोल करोगे, एंड दैट आई बिलीव दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग इन बेड और एनीथिंग. तो उस पे थॉट कितना काम करता है अगर प्रोडक्ट साइड से मैं बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम द सर्विस दैट यू आर गिविंग? देखिए, उनका सॉल्यूशन सही है. अब मैं आपको बताता हूँ कि सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं. सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम टोटल चार कारणों से हो सकते हैं. पहला, अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी समझ लीजिए. दूसरा, अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब हार्ट कंडीशन, डायबिटीज एक्सेट्रा. तीसरा, स्ट्रेस रिलेटेड, एंजाइटी रिलेटेड, डिप्रेशन रिलेटेड. चौथा, रिलेशनशिप रिलेटेड. अब अगर आप हर रूट कॉज को समझे, एवरी रूट कॉज नीड्स टू बी सॉल्व डिफरेंटली. तो आज जितने भी स्टार्टअप हैं जो दवाई बेच रहे हैं, मतलब अश्वगंधा ले लो, शिलाजीत ले लो, वो गलत नहीं है, लेकिन इट इज़ फॉर ओनली वन रूट कॉज. जहाँ पे विटामिन डेफिशिएंसी है तो वो हेल्प करेगा, लेकिन बाकी तीनों जगह, विच इज कोमॉर्बिडिटीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड रिलेशनशिप, वहाँ पे थेरेपी हैज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट. मैं कई डॉक्टर से मिला, इंक्लूडिंग आयुर्वेदिक. मैंने उनसे पूछा कि इतने लोग शिलाजीत लेते हैं तो फायदा क्यों नहीं होता. वो यही बोल रहे हैं कि शिलाजीत लेना कोई रामबाण थोड़ी हो गया. जब तक आप अपने दिमाग पे काम नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता. वो बोले अगर शिलाजीत को भी ज्यादा फायदा करना तो शिलाजीत के साथ थेरेपी लेना शुरू कर दो. ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने मुझे बताया था. तो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज वेरी सिंपल कि अगर आपको दवाई चाहिए, अगर आपकी बॉडी में वो नीड है, तो हमारे डॉक्टर्स आपको दवाई देंगे और हमारे थेरेपिस्ट आपकी थेरेपी करेंगे, और तभी एक कॉम्पोजिट सॉल्यूशन आएगा फॉर यू टू गेट बेटर फास्टर. वरना फिर जिंदगी भर सेक्स करने से पहले गोली खाते रहो. हाँ, सो एक तरफ हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, दूसरे तरफ पॉर्न की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? सो कितना नेगेटिव इफेक्ट क्या है पॉर्न का, राइट? वो मैं पहले जानना चाहूँगा, और उसके बाद है एक कॉज जो रीजन उससे आता है वो मास्टरबेशन, राइट? एंड हाउ हेल्दी इट इज़. बहुत लोग, बहुत डॉक्टर्स दिन भर ज्ञान देखता रहता हूँ कि थोड़ा हेल्दी है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड देर आर लॉट ऑफ रिनाउंड डॉक्टर्स टॉकिंग अबाउट दिस ऑन इंटरनेट, राइट? तो आपके हिसाब से पहले व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पॉर्न, एंड इज मास्टरबेशन हेल्दी, और हेल्दी है तो कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कुछ भी बहुत ज़्यादा हो तो खराब है, अगर मॉडरेशन में हो तो सही. तो बहुत सारे लोग पॉर्न देखते हैं, अगर मॉडरेटली देख रहे हैं तो सही है. अगर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि आप एक ही टाइप का पॉर्न देखने लगते हो और आपको लगता है वही तरीके से सेक्स करना है, और जब आपको आपके पार्टनर्स के साथ उस तरीके का सेक्स नहीं मिलता, आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाते, तब बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, क्योंकि आपको चाहिए ही वैसे, लेकिन वैसे मिलता नहीं. तो पॉर्न कई बार नेगेटिव एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है जो रियल लाइफ कपल के लिए पूरा करना डिफिकल्ट है. ये मुझे लगता है सबसे खराब चीज है पॉर्न के बारे में, एंड दिस इज स्पेसिफिकली क्योंकि हमारी खुद की सेक्स एजुकेशन जीरो है. हमारी पूरी लर्निंग पॉर्न पर डिपेंडेंट. दूसरा, मास्टरबेशन भी ऐसी चीज है कि अगर आपने महीने दो महीने में दो तीन बार किया तो ज्यादा नहीं है. कई लोग आजकल मास्टरबेशन इतना ज्यादा करने लग गए हैं कि कुछ करने को नहीं है तो मास्टरबेट कर लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है मास्टरबेट कर लेते हैं, पढ़ाई करने का मन नहीं है मास्टरबेट कर लेते हैं, नींद नहीं आ रही मास्टरबेट कर लेते हैं. कई लोग जो काम कर रहे होते हैं उनका स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि रात को सोने से पहले मास्टरबेट करने लग जाते हैं. जब आप मास्टरबेशन को अपनी लाइफ में इतना ज्यादा रिपीट करने लगोगे तो आपकी पीनस सेंसेशन खत्म हो जाएगी, विच मीन्स दैट इवेंचुअली यू विल हैव इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड अदर प्रॉब्लम. दूसरा, योर बॉडी विल स्टार्ट गेटिंग नेगेटिवली अफेक्टेड, मतलब आपकी बॉडी को जो स्टिम्युलेशन चाहिए वो अलग तरीके से मिलने लगेगा. इसीलिए आइडियली इट एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड. अगर आप अति कर दोगे किसी चीज़ की, अगर आप सोने से पहले कर रहे हो, स्ट्रेस में आ गए तो कर रहे हो, पढ़ाई करने का मन नहीं है तो कर रहे हो, तो गलत है. दो हफ्ते में एक बार कर लिया कोई गलत नहीं है, बहुत नॉर्मल है. सेल्फ प्लेजर इज एन एक्सेप्टेड थिंग एंड वी शुड डू इट, इट्स ओके. सो यूथ में अभी बहुत कॉमन ट्रेंड्स हो गया है एक्सेस मास्टरबेशन की, जो बात मैं कर रहा हूँ, और जो प्लेजर आपको उस समय मिलता है वैल्यू आर डूइंग दैट, एंड जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं वो डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस भी, राइट? तो डू यू थिंक कि ये एक इजैकुएशन जो होता है उसका रीज़न है कि जल्दी
आप बेड पे उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फिर आपका मेंटेलिटी भी वैसा चेंज होता है। डू यू थिंक एक रीज़न बनता जा रहा है कि नहीं, अब कुछ लोगों की आदत हो जाती है कि नहीं, दे आर गेटिंग प्लेजर इन मास्टरबेशन ओनली व्हाइल दे आर गोइंग इन बेड, तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते। देखिए क्या होता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, हमने जो देखा है वो ये देखा है कि जो लोग भी बहुत ज़्यादा पॉर्न देख के मास्टरबेशन कर रहे हैं उनकी बॉडी एक्सपेक्टेशन अलग हो जाती है। देखिए जब आप सेल्फ प्लेजर कर रहे हो तो आपकी बॉडी को जो स्टिमुलेशन मिल रहा है, और जब आप रियल में सेक्स कर रहे हो तो आपकी बॉडी को जो स्टिमुलेशन मिल रहा है बहुत अलग, विच मींस कि अगर आपकी बॉडी को इसकी आदत हो गई तो उसकी आदत चली जाएगी वही, और फिर आपको शायद सेक्स में मजा ना आए, या आपको सेक्स में अराउज फील ना हो, या आप जल्दबाजी करें तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है और आपकी पार्टनर शायद सेटिस्फाइड ना हो। इसीलिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ज़्यादा विगरेसली हार्ड तरीके से मास्टरबेशन भी ना करें ताकि आपके टिश्यूज डैमेज ना, बहुत ज़्यादा भी ना करें ताकि आपकी बॉडी को एक स्पेसिफिक टाइप के स्टिमुलेशन की ही ज़रूरत पड़ने लगे, और जो सेक्स दे सकता है वो मास्टरबेशन कभी नहीं दे सकता, विच इज़ इंटीमेसी। रियल इंटीमेसी तो सेक्स और पार्टनर के साथ ही आती है। सेल्फ प्लेजर इज़ अ गुड ऑल्टरनेट बट नॉट द कोर थिंग। And how important is to be physically strong in bed to create a healthy relationship? क्योंकि I've seen cases की बहुत सारे cases होते हैं जिससे separation हो या healthy relationship नहीं हो पाता, कितना important हो गया आपको लगता है कि this is one of the reason जहाँ पे separation हम देख पा रहे हैं in most of the time? देखिए ऐसा समझिए कि by the way इंडिया में 30% डिवोर्स इसीलिए होते हैं कि sexual compatibility नहीं है। आई विल नॉट से कि वो मैन की प्रॉब्लम है या वेमेन की प्रॉब्लम है, बट 30% डिवोर्सेज इन इंडिया हैपन बिकॉज सेक्शुअल कंपैटिबिलिटी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि सेक्स कोई भी तरह का परफॉर्मेंस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो अपनी लाइफ के हर सेगमेंट में कॉन्फिडेंट हो, मतलब आप काम भी अच्छा करोगे, आप दोस्तों के साथ भी खुश रहोगे, आप परिवार के साथ भी खुश रहोगे, आप अपने पार्टनर को भी खुश रखोगे। अगर आप अपनी पार्टनर को खुश नहीं रख पा रहे हो और अगर आपके घर में उसको लेकर तनाव है तो वो आपके पूरे दिनचर्या पे अफेक्ट करेगी। हमने एक रिसर्च करी थी जिसको हम SHI टेस्ट भी बोलते हैं, सेक्सुअल हेल्थ इंडेक्स किया था हमने, 7,000 लोगों से हमने पूछा था, और हमें पता चला था कि जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते बेड में तो वो ऑफिस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, वो रिलेशनशिप्स में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट है, इनकॉम्पिटेंसी तो फील होती है ना हमें। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप हर जगह अच्छा परफॉर्म करो, एंड दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी स्ट्रॉन्गर इन बेड। एंड व्हेन आई से स्ट्रॉन्गर इन बेड, आई एम नॉट सेइंग कि घंटों घंटों परफॉर्म कर सको। स्ट्रॉन्गर इन बेड मतलब एक ऐसी इंटीमेसी शेयर करो अपने पार्टनर के साथ कि आप भी खुश हो, पार्टनर भी खुश हो, एंड टुगेदर यू आर हैप्पियर। सो मैन की बात करो तो बहुत रिसेंट रेट अभी मैं पढ़ रहा था कि मेंस के जो सेक्सुअल डिजायर्स वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू ओल्ड टाइम्स। पहले था कि दे वर मोर एक्साइटेड अबाउट सेक्स एंड डूइंग दैट, अभी उनके धीरे धीरे डिजायर्स कम हो रहे हैं, मतलब उसका क्या लगता है कि व्हाट आर द प्राइमरी रीजन फॉर दैट? देखिए ऐसा नहीं है कि मेन का डिजायर अब कम हो रहा है, ऐसा समझिए दैट नॉर्मली मोस्ट मेन स्टार्ट सीइंग अ डिप इन देयर लिबिडो या डिजायर फॉर सेक्स 35-40 में। Most women start seeing a dip in their desire 40-45 में। दूसरा एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि comorbidities के कारण, जैसे डायबिटीज, हार्ट कंडीशन, इन सब के कारण जब मैं एक बार परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे मन में हिचकिचाहट भी तो आ जाती है ना। लाइक इमेजिन मैं एक बार ट्राई किया परफॉर्म नहीं कर पाया, दूसरी बार ट्राई किया परफॉर्म नहीं कर पाया, अब मैं खुद ही इसको अवॉइड करने लग रहा हूँ। एंड गिवन आवर लाइफस्टाइल टुडे, कोई BMI किसी का ऑफ है, HbA1c किसी का ऑफ है, कोलेस्ट्रॉल किसी का ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहे और उनके मन में एक हिचकिचाहट आ रही है, तो वो बोल रहे हैं यार छोड़ ही दो, क्यों करना है। तो मोर देन डिजायर इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म कि मैं करूँगा ही नहीं तो मैं हारूंगा नहीं। इट इज़ लाइक जिसने बैटिंग की नहीं वो डक पे कैसे आउट होगा। तो डिजायर तो देखिए सबका है, तभी तो लोग मास्टरबेशन कर रहे हैं, बट बेड में परफॉर्म नहीं करना चाह रहे क्योंकि हिचकिचाहट है। डिज़ायर इन द सेंस कि एक कुछ फैंटेसी होती है लोगों की, अगर अगर मैं फर्स्ट सेक्स की बात करूँ तो दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड कि अगर मैं फर्स्ट टाइम ऐसा होगा वैसा होगा, बट अब धीरे धीरे लगता है कि थोड़ा सा वो जो सेंस ऑफ एक्साइटमेंट है वो कम होती जा रही है जहाँ तक मैंने देखा है या मैंने पढ़ा है।
तो वो एक रीज़न है, मतलब आपको लगता है कुछ स्पेसिफिक रीज़न इसके कारण, या देखिए मास्टरबेशन कैन बी वन ऑफ द रीज़न? हाँ, दो चीज़ है जो मैं अभी बता रहा था, वो तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ ट्रेट ऑफ ओल्डर मैन 30-35 के बाद, जिनको ऐसा लग रहा है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। यंगर मैन जो 20-22 के है ना, उनमें दो कारण से मुझे ऐसा लगता है कि वो सेक्स को थोड़ा सा स्केप करना चाहते हैं। एक क्या होता है कि बातें बहुत होती हैं, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आपकी पार्टनर अपने दोस्तों से बात कर रही है कि हाँ यार ये परफॉर्म नहीं कर पाया, तो वो डर बहुत है, वो सोशल स्टिग्मा, ऐसा नहीं लगता ना कि मेरे ग्रुप में सबको पता चल जाएगा मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, तो वो डर बहुत है। देखिए पहले क्या होता था, आज से 15 साल पहले जो बातें होती थी वो रूम में रह जाती थी, बट नाउ बिकॉज एवरीवन इज सो ओपन, वी नो दैट विमेन विल टॉक, मेन टॉक, तो अगर यंगर मैन में स्पेशली परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत है कि पहली बार कर रहे हैं, पता चला गलत हो गया और लोग बात बनाने लग गए, तो उस कारण से वो थोड़ा सा एस्केप करते हैं, और मास्टरबेशन देन बिकम्स लाइक अ गुड सेकेंडरी अल्टरनेटिव कि चलो यार खुद ही कर लेना। एंड प्रेशर ऑन मेंस सेक्सुअल परफॉर्मेंस इज टू मच, लड़कों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, राइट, कि जैसे आपने बोला कि फर्स्ट टाइम करना है, कभी भी करना है, उनके माइंड में है कि जैसे जंग लड़ने जा रहे हैं तो जीत के आनी आनी है, अगर हार गए तो फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, शायद रिटायरमेंट लेना पड़ेगा एंड ऑल दैट सब। सो इक्वली मुझे लगता है कि दोनों पार्टनर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि आप सामने वाले को भी इतना कंफर्टेबल करो कि सामने वाला भी हो जाता है, और कितने सारे मीन्स बनते हैं इसके अराउंड में कि भाई तू मर्द नहीं है, अपने दोस्तों में बातचीत होती है, तो मेंस पे इतना परफॉर्मेंस क्यों है और हम कैसे बेहतर बना सकते हैं अगर हम दो लोग सेक्स करें, जो आपका सामने वाला पार्टनर है इसको जो जो एक्सपीरियंस उसको और कैसे बेटर बना सकता है? ये आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम वी टॉक अबाउट ऑर्गेजम गैप, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मैन को ऑर्गेजम ईजिली आ जाता है और विमेन का नहीं आता, तो ऐसा लगता है कि विमेन को तो कोई भी सेटिस्फाई, मैन को तो कोई भी सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन विमेन को करना बड़ा मुश्किल है, यू नो फाइंडिंग द जी स्पॉट इज सच अ बिग क्वेश्चन, बट आप कितने भी कॉमेडी देखो, सीरीज देखोगे, सब में बोलते हैं अरे आदमी को खुश करना कितना ईजी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज ऑफ ऑर्गेजम गैप एंड बिकॉज ऑफ हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, I think the pressure on men is higher, but ideally दोनों partner के satisfy होने की responsibility दोनों partner पे, because it is a process of being happier together. अगर किसी को सिर्फ एक ही बंदे को खुश होना था तो वो खुद self pleasure कर लेता, but when two partners are together it has to be a joint responsibility कि how can I make you aware about what I like, how can you make me aware about what you like, and how together both of us can reach orgasm. तो वो जो thesis है, वो I think अभी इंडिया में वो maturity धीरे धीरे आ रही है, और कई बार क्या होता है कि आजकल हम इतना ज़्यादा expect कर लेते हैं और personal life में हम इतने critical हो गए हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते हो, हम सोचते नहीं हैं, but ये सब भी हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। रिलेशनशिप कॉज इज वेरी बिग, जब आप किसी आदमी को बार बार बोलते हो तुम ये नहीं कर पा रहे, तुम वो नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंट फील कर रहा है, ना सिर्फ उन कामों में बट बेड में भी, तो ये कभी ना कभी उनके बेड की परफॉर्मेंस पे भी अफेक्ट करेगा। एंड टाइमिंग के हिसाब, मतलब टाइमिंग के ऊपर भी बहुत सारे जोक्स बनते रहते हैं, राइट, एंड बहुत सवाल भी हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम तो आपको एजुकेट करने के लिए, राइट, एंड उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि ठीक है यू कैन स्टार्ट विद द फोर प्ले एंड वट एवर, राइट, उसके अच्छे 2-3-4 या 5 मिनट का एक आइडियल टाइम हो सकता है टू परफॉर्म, या जब आपका एजुकेशन नहीं हो, तो आपके हिसाब से क्या है राइट टाइम क्या है? देखिए साइंटिफिकली अगर बोला जाए तो डॉक्टर्स टर्म में बोला जाता है कि प्री मैच्योर एजुकुलेशन उसको बोला जाता है जो 1 मिनट से कम का परफॉर्मेंस हो, मतलब अगर किसी का 1 मिनट के अंदर इजैक्युलेशन हो जाता है तो उसको प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन बोलते हैं। बट रियली व्हाट वी आर चेजिंग इज डिजायर, व्हाट वी आर चेजिंग इज सैटिस्फैक्शन। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 10 मिनट में सेटिस्फाइड नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो 3 मिनट में हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शायद 1 मिनट में होते हैं लेकिन वो खुश रहते और उनकी पार्टनर भी खुश रहती, तो इसका कोई टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग इज जब दोनों पार्टनर खुश हो गए, इट कैन बी फोर प्ले, आफ्टर प्ले सेक्स, इट कैन बी एन इंडिविजुअल गिविंग प्लेजर टू हिज और हर पार्टनर, बट एट द एंड गोल इज कि दोनों खुश हो। तो टाइमिंग साइंटिफिकली अलग है, बट रियली
प्लेजर की टाइमिंग हर इंसान की अपनी होती है. यू कैन नॉट डिफाइन कि हाँ 3 मिनट में सब खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता. एंड ऑर्गेज्म की अपनी बात करें तो ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस कि जो महिलाओं में होता है वो दैट कैन लास्ट लॉन्ग, क्योंकि फिर ज़्यादा उनकी डिज़ायर भी ज़्यादा होती है, राइट. जब मैन की बात करें तो दे हैव अ कैपेसिटी कि 2 मिनट 3 मिनट, राइट. तो आई नो कि इससे ज़्यादा कोई कर भी नहीं पाएगा, बट टू मेक इट मोर प्लेजर और इसको इंटरेस्टिंग और बनाने के लिए व्हाट आर द वेज दैट वी कैन इंप्लीमेंट कि ठीक है आई नो दिस इज़ द कैपेसिटी, बट उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ कि सामने वाले भी खुश रहे एंड ही और शी इज़ सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है ही इज़ द कैपेसिटी, और बाद में उसको आफ्टर सेक्स हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं. देखिए आई थिंक जितनी भी लोगों से मैंने बात करी है मैंने एक चीज रियलाइज किया है कि दैट सेक्स इज नॉट एन एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन ओनली. सेक्स इज अ लॉट, स्टार्ट्स अ लॉट बिफोर पेनिट्रेशन एंड एंड्स अ लॉट आफ्टर पेनिट्रेशन और इजैक्युलेशन, राइट. व्हिच मींस कि फोर प्ले, आफ्टर प्ले आपकी, और इनफैक्ट आजकल लोग बोलते हैं कि फोर प्ले से पहले भी माहौल सेट करना पड़ता है, राइट. कि मूवी देख ली या कोई एक्टिविटी साथ में कर लिया, क्योंकि एट द एंड ये एक इंटीमेट इवेंट है. इफ यू आर एबल टू अचीव दैट लेवल ऑफ इंटीमेसी इस पूरे जर्नी में, देन इट इज गुड. तो दैट इज वेयर यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि भाई ऐसा ना हो कि बस गए और सीधा सेक्स करना पेनेट्रेट कर दिया. क्योंकि क्या होता है कई बार हमें फील नहीं होता बट हम अपने दिमाग से अपने काम को निकाल नहीं पाते. वो एक मेल जो भेजा था उसमें लैंग्वेज सही हुई कि नहीं हुई, रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया, कल की मीटिंग में मैं क्या बोलूंगा, ये चीजें जब दिमाग में चलेंगी तो आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे. फिर लोग एज अ ड्यूटी उसको करने लगते हैं कि चलो ठीक है ड्यूटी है करनी पड़ेगी एंड नॉट जस्ट एज अ मेकिंग लव, राइट. एक सवाल भाई नॉर्मल है बाकी बहुत लड़कों के हिसाब से, तो हाउ टू लास्ट लॉन्गर इन बेड? आपको लगता है कि जो जैसे आपने बोली दवाई की बात करी, या आई नो कि दिस इज थ्रू माइंड ओनली, राइट. सो व्हेन यू आर अबाउट टू इजैकुएट अगर आपने माइंड से कंट्रोल किया तो यू कैन स्टिल लास्ट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टाइम, राइट. ये चीज़ें होती है मतलब, सो आई नो दैट. बट उसके अलावा आपको लगता है कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो मैन अपना सकते हैं टू लास्ट लॉन्गर? देखिए अ लॉट ऑफ योर इजैक्युलेशन इज डिपेंडेंट ऑन योर पेल्विक कोर स्ट्रेंथ. तो अगर आपको लास्ट लॉन्गर करना है तो बहुत बेसिक पेल्विक एक्सरसाइजेस अगर आप करने लग जाओ तो धीरे धीरे आपके टाइमिंग बढ़ सकते हैं. सो देर आर ओनली टू थिंग्स दैट विल हेल्प यू लास्ट लॉन्गर. पहला, वेन यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड बेटर, जैसा आपने बताया कि अगर इंसान दिमाग में बहुत ज़्यादा हवा ना बना दे, एक्साइटेड ना हो जाए तो दे लास्ट लॉन्गर. सेकेंड इज वेन देर कोर इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कई बार क्या होता है दैट पीपल हु इजैक्युलेट टू अर्ली इट इज नॉट दैट दे गॉट एक्साइटेड टू अर्ली, इट इज बिकॉज देयर पेल्विक कुड नॉट रेजिस्ट फॉर सो लॉन्ग. इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस हमेशा करनी चाहिए, सो दैट इट काइंड ऑफ कीप्स योर कोर स्ट्रॉन्गर. जितना आप अच्छा खाओगे, जितना आप एक्सरसाइज करोगे, उतना आपकी बॉडी केपेबल होगी ना सिर्फ दिन भर काम करने के लिए बट रात भर काम करने के लिए. जैसे मैन वुमेन की बात करो तो ऑब्वियसली स्टिग्मा तो है, लोग बात नहीं करते हैं. एज यू ऑलरेडी मेंशन की 20 करोड़ से ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं एंड दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर टू बी ऑनेस्ट, राइट. सो एज अ समवन हु इज़ ऑलरेडी हेल्पिंग पीपल इन डूइंग दैट, तो क्या आपके मेजर्स रहेंगे स्पेशली यंग लड़कों के लिए, क्योंकि उनके माइंड में अलग थॉट प्रोसेस चलते रहता है. जब आप कॉलेज में हो अलग तरह के चीज़ें चलती रहती हैं, रियल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है, राइट. एंड जैसे आपने बोला इससे फिर उससे आप पॉर्न के एडिक्ट होते हो, क्योंकि आई बिलीव कि जैसे इन्वायरमेंट से आप आए हो, राइट, वहाँ पे अपनी चीज़ें देखनी है. यू हैव फीमेल जीरो फीमेल इंटरेक्शन, राइट. एंड व्हेन यू कम टू दिस प्लेसेस लाइक बड़े बड़े शहरों में जाते हो आप चीज़, तो आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, राइट. और थॉट प्रोसेस भी कहीं कहीं चेंज होने लगता है, और उससे कुछ डिफरेंट टाइप के इंसान भी निकल के आते हैं जो थोड़ी सी जो हम कैसे सुनते हैं वो भी होते हैं. तो एज ए इंडिविजुअल कैसे अवेयर रहें और कैसे और लोगों से बात कर पाएँ कि ठीक है दिस इज़ आई नीड एंड आई नो कि देर आर लॉट ऑफ मैन हु आर सिंगल एंड नॉट जस्ट बाई चॉइस बट हाँ कुछ है उनके साथ, राइट. तो क्या चीज़ें हैं वो कर सकते हैं सो दैट दे कैन कंट्रोल देयर माइंड कि हाँ ठीक है दिस इज़ समथिंग आई नीड टू डू एंड एवरी थिंग हैज़ अ राइट टाइम. वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि फिर आपके माइंड में अगर कोई चीज़ों को लेके वो चीज़ें पनपती रहती है फिर आप कुछ को सोचने भी लगते हो, अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगते हो, कि तरीके ढूंढने लगते हो कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे एवर आई कैन गेट सेक्स और व्हाटएवर, राइट.
तो वो चीज़ें हम कैसे कंट्रोल करें एज ए इंडिविजुअल जो फर्स्ट टाइमर है, उसके माइंड में चीज़ें चल रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है दैट द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ओवर एक्साइटमेंट इज बाय एजुकेटिंग योरसेल्फ, एंड एजुकेशन डेफिनेटली शुड नॉट हैपन वाया बॉन्ड. अगर आप अभी तक इंटीमेट नहीं हुए हो, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, इट इज़ बेस्ट टू रीड जर्नल्स, इट इज़ बेस्ट टू रीड वेरी ऑथेंटिक वेबसाइट जहाँ क्लियर कट आंसर्स मिले आपको, साइंस बैक्ड. क्या होता है कि इंडिया में कई लोगों को साइको एजुकेशन ही नहीं है सेक्स के टुवर्ड्स, एंड दैट इज वाई अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट हैपन दे हैव नो आइडिया. मैं समझ सकता हूँ कि किसी ने अगर किसी विमेन से कभी भी बात नहीं करी है तो पहली बार सेक्स करेंगे तो शायद जल्दी इजैक्युलेट कर जाएंगे, बट ये सिर्फ पहली बार होगा. अगर वो ये पढ़ चुके होंगे कि हाँ यार पहली बार जल्दी हो सकता है, तो चांसेस है कि वो सेकेंड टाइम इतने कॉन्शियस ना हो. प्रॉब्लम ये होता है कि जब पहली बार मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो मेरे दिमाग में आ जाता है कि अरे मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, अब क्या होगा, ये मुझे कैसे जज करेंगे, ये अपने दोस्तों में कैसे बात करेंगे, पूरा वो जो सेल्फ डाउट है ना वो लेकर मैं बेड पे जा रहा हूँ तो कैसे परफॉर्म करूँ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही वेबसाइट्स पे भरोसा करके पढ़े. जैसे वेब एमडी हो गया, क्योरेक्स में हम बहुत साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डालते हैं. द की रीज़न इज कि हम चाहते हैं कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पता चले. देखिए, सबको हमारी ज़रूरत नहीं होगी, बट सबको सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत 100% है. एंड एक चीज़ और मैंने देखी, जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली लाइफ में जहाँ भी जाते हो, आप ऑफिस जाते हो, फ्रेंड्स के साथ रहते हो, व्हेन आई टॉक अबाउट अपोजिट सेक्स, तो यूजुअली लड़के जो हैं जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स. तो क्या आपको लगता है कि इज इट विद द बॉयज़ ओनली और फिर गर्ल्स के साथ भी ऐसा होता है? क्योंकि फिर वो एक कॉमन ट्रेट हो जाती है, आप डेली किसी के साथ घूमो फिरो, फिर आपके माइंड में चीज़ें चलने लगती है, ठीक है अपोजिट अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स, राइट? तो मतलब क्या रीज़न हो सकते हैं इसके लिए? मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न आपको लगता है, हार्मोनल चेंज हो या कुछ भी हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये किया दैट इट इज़ नॉट अ मैन ओनली थिंग और अ वेमेन ओनली थिंग. अट्रैक्शन दोनों तरफ से होता है. कई बार क्या होता है कि क्योंकि हमारे सोसाइटी में ऐसा प्रेशर है या फील है कि मैन विल टेक द फर्स्ट स्टेप, इसीलिए मैन हमेशा पहला स्टेप लेते हैं और उनका पता चल जाता है. विमेन डू फील, दे फील अट्रैक्टेड, दे वुड वॉन्ट टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, बट वो हमेशा वेट कर रही होती है. बट जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, यू विल सी अ लॉट ऑफ विमेन ऑल्सो टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप, बिकॉज अट्रैक्शन हमेशा दोनों तरफ से होता है. इट विल नेवर बी कि खाली आदमियों को औरतें पसंद आ रही है, औरतों को आदमी पसंद नहीं आ रहे. दोनों को प्लेजर चाहिए, बोथ आर अट्रैक्टेड, इसी तरीके से बने हम. हाँ, बट हमारी सोसाइटल नॉर्म्स ऐसी रही हैं कि हमेशा एक्सपेक्ट किया गया है कि आदमी बोलेगा, इसलिए विमेन हैव नॉट शेयर्ड सो मच, बट विथ टाइम आई थिंक दिस इज ऑल्सो चेंजिंग. और आजकल के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैं या नई दुनिया में, आज हमने देखा है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रिलेशनशिप, स्पेशली जब आप शादी करते हो, तो एज थोड़ा सा लोग लेट करते हैं आफ्टर 30s, राइट? एंड जब उनकी जब हम बात करते हैं उनके पहले बेबी की, राइट, 30-35 के बाद हमने देखा है कि फर्टिलिटी कम होती जाती, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द राइट टाइम टू गेट मैरिड, और जब आप पहला बच्चा कर रहे हो तो उसका राइट टाइम क्या होना चाहिए, मैन के लिए भी और वुमेन के लिए भी? क्योंकि इस पर बहुत सवाल इंटरनेट पर हैं कि कोई बोलता है कि 40 के बाद इट इज़ नॉट सेफ टू हैव अ बेबी फॉर अ वुमेन, राइट? एंड मैन के लिए 30-35 के बाद फर्टिलिटी आपकी कम होती जाती है, एंड फिर आपका स्पर्म भी थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होता, राइट, अकॉर्डिंग टू योर एज. सो या व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, मुझे तो ऐसे दो एस्पेक्ट लगते हैं, एक बायोलॉजिकल, एक मेंटल. बच्चे को पालना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज़ अ वेरी टैक्सिंग जॉब, इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, बट मेहनत भी बहुत लगती है. तो जितने आप बड़े हो जाओगे उतना डिफिकल्ट हो जाएगा आपको बच्चा मैनेज करना. मतलब मान लो कोई 40-45 की उम्र में बच्चा पहली बार कर रहा है, तो 10 बार मतलब 50-55 की उम्र तक वो गोदी लेके घूमना बहुत मुश्किल है. तो दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट. अगर बायोलॉजिकली बात की जाए तो विमेन का जो एग काउंट होता है वो धीरे 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 कम होता रहता है, विच मीन्स चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी गेट डिलेड डिलेड डिलेड, लेसर लेसर लेसर. तो इट इज़ बेटर कि आप जितनी जल्दी प्लान कर सको. थैंकफुली
ऑफ कोर्स देयर आर सम पीपल हु आर मोर करियर फोकस्ड एंड दे वुड वांट टू प्लान बेबीज और फैमिली लेटर. आजकल कई सारे ऐसे सॉल्यूशंस आ गए हैं जहां पर आप एग फ्रीज करा सकते हो या स्पर्म बैंक करा सकते हो ताकि लॉन्ग रन में यू हैव दैट एक्सेसिबिलिटी कि आप फिर भी बच्चा कर सको. बट मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं तो यही बोलूंगा दैट वो भी एक प्रायोरिटी है, ये भी एक प्रायोरिटी है. समय रहते ये भी कर लेना चाहिए क्योंकि क्या है कि करियर में मोस्ट ग्रोथ 30 के बाद आती है. पहले तो आप स्ट्रगल ही कर रहे होते, उस समय अगर बच्चा कर लोगे तो शायद बच्चे भी मैनेज हो जाएंगे और फिर बाद में करियर भी मैनेज हो जाएगा. एंड गिवन द टाइम एंड दे एज दैट वी आर लिविंग इन, आजकल तो मैन वुमेन दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं, दोनों घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में निभाते हैं, तो इट इज इन माई ओपिनियन अ लॉट मोर सिंपलर विद द होल स्टार्टअप इकोसिस्टम. कन्वीनियंस कितनी बढ़ गई है, हमारे घर में मेट्स डोमेस्टिक हेल्प बढ़ गए हैं, सपोर्ट्स इवेंट्स बढ़ गए हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो अब ऐसा नहीं लगता मुझे कि आपको डिलेड करने की जरूरत है. बट अगर करना चाहो आपकी चॉइस है, देर आर ऑल्टरनेटिव जहाँ पर आप एग फ्रीज करा सकते हो, स्पर्म बैंक करा सकते हो ताकि आप अपनी चॉइस के हिसाब से फैमिली प्लान कर सकें. एंड एक लास्ट में, जैसे हमने मास्टरबेशन की बात करी बट यंग लोगों में तो काफ़ी कॉमन है, बट आई हैव सीन कि जैसे कुछ लोग जिनका एज हो चुका है, दे आर अबव 30 एंड जिनकी शादी भी होगी बट उनके माइंड में जो एक आदत है वो छूट नहीं रही, राइट? सो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे एंड व्हाट आर द वेज जिससे वो अपने आप को उससे निकाल सकते हैं? बट छोड़ना क्यों है? इज इट हेल्दी टू डू इट आफ्टर मैरिज? हाँ इट इज. देखो क्या है कि इट इज अ वे ऑफ सेल्फ लव, बी इट मैन बी इट वुमन, इट इज अ वे ऑफ सेल्फ लव. अगर डिपेंड्स ऑन टू यू कि आपको कैसे प्लेजर मिलता है. करेक्ट, अगर आपको करना है तो कर. 10 दिन 12 दिन में अगर आपको मन हो रहा है कर लो कोई ऐसा. देखो इट इज नॉट कि ये सही है और ये गलत है. शादी के बाद सेक्स करो, शादी से पहले मास्टरबेशन करो, ऐसा नहीं है. यू कैन डू बोथ बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज. बोथ शुड, एटलीस्ट मास्टरबेशन शुड बी इन मॉडरेशन. सेक्स तो चलो ठीक है, इंसान अपने आप जितना करता है वो ठीक है. बट हाँ इट्स नॉट कि मैं शादी कर ली तो मैं मास्टरबेशन ना करूँ. लोग तो कम बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन आपने तो कंपनी बना दी इसके बारे में, राइट? ऑब्वियसली आप मार्केट में जाते होगे, इन्वेस्टर से मिलते होगे, एंड आई हैव सीन कि यू आर आल्सो रेजिंग फंड एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स दैट हैव दैट दे हैव ऑलरेडी डन इन द पर्टिकुलर स्पेस. तो इन्वेस्टर्स का क्या अभी रिएक्शन है, क्योंकि आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन द सेम सेगमेंट, जैसे बोल्ड केयर की बात करें अभी दे आर इन बस बहुत मार्केटिंग की चलती रहती है, राइट? बहुत और भी स्टार्टअप्स है, राइट? तो क्या रिएक्शन है लोगों का अभी, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है दैट आई हैव सीन इन माई फ्रेंड सर्कल ऑल्सो. तो उसके बारे में क्या थॉट प्रोसेस है आपका? देखिए दो एस्पेक्ट बताऊंगा मैं आपको फंड रेज के बारे में. जितने भी इन्वेस्टर से हम मिले आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि ये प्रॉब्लम है. सॉरी, आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है. और सबने ये एक्सेप्ट किया है कि ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई. राइट, जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी सेक्सुअल हेल्थ में स्टार्टअप हैं वो सिर्फ 1/4 हिस्सा ही देख रहे हैं जहां पर विटामिन डेफिशिएंसी जैसी चीजों के लिए वो शिलाजीत ले लो, वाइग्रा ले लो, वो है. बट जहां पर रिलेशनशिप आ जाता है, जहां पर मेंटल हेल्थ कंसर्न आ जाते हैं, जहां पे कोमॉर्बिडिटीज आ जाती हैं, वहां का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट है और वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है जो हम क्योरेक्स में करना चाह रहे हैं. और फंड रेज की जर्नी तो मेरी ऐसी रही है दैट आई हैव बीन इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर 10 ईयर्स. आई हैव लर्न्ड फ्रॉम सो मैनी पीपल. ये मेरी तीसरी कंपनी है, मैंने पहली कंपनी बेच दी थी, दूसरी कंपनी हमने फंड रेज करके बंद करी थी, उसके बाद आई वर्क विद हेल्दी फाइन, आई वर्क विद एम फाइन. तो मैं तो अब ये कर रहा हूँ दैट वाइल आई एम रेजिंग फंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई जर्नी ऑन इंस्टाग्राम ताकि और एंटरप्रेन्योर्स भी सीख सके. मैंने ये चीज़ रियलाइज करी है दैट भले ही इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप बन रहे हैं, सब बात करते हैं कि यार इतना स्टार्टअप, बहुत कम को रियल राइट इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है. स्टार्टअप सबको करना है लेकिन सब तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं है. कैसे एमवीपी क्या होता है कई लोगों को नहीं पता, टैम सैम सॉम क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता. तो जब मैं कुछ लोगों से बात भी कर रहा था, और ये मेरी एक लर्निंग भी थी लास्ट ईयर, मैं एक कॉलेज में जब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बोलने गया था कि लोगों को पता नहीं है बट वो चाहते हैं स्टार्टअप करना. तो दैट इज व्हाई व्हेन आई वाज रेजिंग फंड्स आई क्रिएटेड अ चैनल कॉल्ड स्टार्टअप विद अमित, और वहाँ पे मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ और मोर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ
ताकि लोगों को भी समझ में आए कि फंड रेस कैसे करना है, स्टार्टअप कैसे बनाना है, एमवीपी क्या होता है, इन्वेस्टर को अप्रोच कैसे करना है. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. एंड जो एक मेजर टेक अवे है, जो लर्निंग है आपको अपनी जर्नी से दैट यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आई थिंक आई विल ओनली रेकमेंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं पिछले 10 साल से हेल्थ केयर में हूँ, कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सही स्पेशलिस्ट के पास जाएं. बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि खुद ही कोई गोली खा लेते हैं, ये आयुर्वेदिक है क्या नुकसान करेगा, ये कम पावर की है क्या नुकसान करेगा. ये गलत अप्रोच है, क्योंकि जो गोली फायदा नहीं करती वो गोली नुकसान करती है. तो आई वुड ओनली रेकमेंड कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन अवेलेबल है, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, क्योरेक्स नहीं, कोई अच्छे डॉक्टर के पास चले जाए. लेकिन हिचकिचाइए मत, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है. अगर आपको लग रहा है कि मैं आँख बंद कर लूँगा और चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा तो आप गलत हो. इसीलिए सॉल्व इट. आई बिलीव कि सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो अवेयरनेस, एजुकेशन, राइट. सो क्या ऐसी चीज़ें जो आप कर रहे हो क्योरेक्स में दैट इज़ हेल्पिंग पीपल टू अवेल द इंफॉर्मेशन? देखिए, ये तो बहुत बड़ा वाइट स्पेस है. इंडिया में सेक्स एजुकेशन बहुत कम ऑथेंटिक साइंटिफिक राइट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो अब हम क्योरेक्स में क्या कर रहे हैं, दैट वी आर गेटिंग डॉक्टर्स एंड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स ऑन आर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल. तो अगर आप क्योरेक्स हेल्थ इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, यू विल फाइंड डॉक्टर्स टॉकिंग अबाउट डिफरेंट हेल्थ कंसर्न्स, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको कैसे पता किया जाए, उसको कैसे बेटर मैनेज किया जाए. बिकॉज ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े, बट ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन सही हो. कई बार हम गूगल पे या कहीं पे भी कुछ भी पढ़ के कुछ भी अपने दिमाग में बना लेते हैं, वो सही नहीं है. अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो गूगल से डॉक्टर मत बन. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी. और ऑब्वियसली जैसे हमने पहले बात करी, स्टिग्मा है लेकिन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को बात करनी चाहिए, एटलीस्ट आप तो करनी चाहिए. सो वी आर इन टू 21st सेंचुरी एंड आई होप 20 करोड़ लोग जो ऑलरेडी सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, दे शुड कम आउट एंड दे शुड टॉक टू डॉक्टर्स, देयर फ्रेंड्स, थेरेपिस्ट. एंड गाइस, सबके लिए सॉल्यूशन है इस दुनिया में कुछ ना कुछ, तो यू शुड कम आउट एंड टॉक टू अस. एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्लेटफॉर्म दैट यू आर बिल्डिंग. आई होप कि ऑन द मिशन दैट यू आर, सो दैट विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर. एंड या थैंक यू सो मच अगेन फॉर थैंक यू.